उत्तराखंड में स्थित बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन मुक्तेश्वर टूरिस्टों के लिए स्वर्ग है। देश के कोने कोने से टूरिस्ट मुक्तेश्वर में डेरा डालते हैं और यहाँ की खूबसूरती का लुत्फ उठाते हैं। यहाँ का शांत वातावरण, ठंडी हवाएं, घाटियाँ, पहाड़, जंगल, नदियाँ, झरने और हिमालय के खूबसूरत व्यू टूरिस्टों के मन को भा जाते हैं। अगर आप भी किसी ऐसी जगह की तलाश कर रहे हैं जहाँ आपका तन और मन प्रफुल्लित हो उठे और आप बिल्कुल खो जाए, तो चलिए हमारे साथ मुक्तेश्वर। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि अब आप मुक्तेश्वर में कौन कौन सी जगह पर जाकर घूम सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपके लिए जो मैं वीडियो बना रहा हूं, इसलिए वीडियो को एक लाइक करके कमेंट जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। तो पहला है आपका मुक्तेश्वर टेम्पल। अगर आपको धार्मिक यात्रा करना बेहद पसंद है तो आपको शानदार मुक्तेश्वर मंदिर को जरूर देखना चाहिए। मुक्तेश्वर मंदिर लगभग 5500 साल पुराना है। आपको बता दें, ये मुक्तेश्वर के अट्रैक्टिव विजिटिंग प्लेसेस में से एक है। मंदिर से घाटी और आसपास के प्रकृति का बेहद सुंदर नजारा देखने को और अनुभव करने को मिलता है, तो यहाँ जाना मत भूलिएगा। नेक्स्ट है आपका चौली की जाली। मुक्तेश्वर मंदिर के ठीक पीछे एक और प्रसिद्ध आकर्षण है चौली की जाली, या एक चट्टान में लगभग 2 फीट का छेद है। आप चाहे प्रकृतिक प्रेमी हो या एडवेंचर के शौकीन, आपको इस जगह से यकीनन प्यार हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस जगह के बारे में इतना प्यारा आखिर है क्या, तो हम आपको बता दें कि चौली की जाली रॉक क्लाइंबिंग और रैम्पलिंग का अनुभव करने के लिए मुक्तेश्वर के लोकप्रिय स्थानों में से एक है, जहां से आपको हिमालय श्रृंखला दिखाई देगी। नेक्स्ट है आपका शीतला। मुक्तेश्वर से केवल 5 किलोमीटर की दूरी पर शीतला गांव टूरिस्ट के लिए मुक्तेश्वर आने का एक प्रमुख आकर्षण है। शीतला एक छोटा सा हिल स्टेशन है और यहां पर एक शीतला देवी का मंदिर भी बनाया गया है। यह एक छोटा गांव है जहां बहुत ज्यादा टूरिस्ट नहीं आते। शीतला से हिमालय की चोटियों के सुंदर व्यू और ठंडा मौसम देखने और अनुभव करने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका भालूगढ़ वाटरफॉल्स। अगर आप आराम से बैठकर किसी प्राकृतिक जगह को देखना चाहते हैं, तो यहाँ का भालूगढ़ वाटरफॉल जरूर देखिएगा। भालूगढ़ वाटरफॉल पर जाने के लिए 50 रुपीज पर पर्सन का एंट्री टिकट लेना होता है। यह वाटरफॉल जंगल में थोड़ी दूर तक अंदर जाने के बाद देखने को मिलता है। झरने तक पहुँचने के लिए लगभग 2 किलोमीटर तक आपको ट्रैक करना पड़ेगा और यह एक सुंदर झरना है जिस पर आप ठंडे पानी से नहा भी सकते हैं। नेक्स्ट है आपका जीरो पॉइंट। यह एक व्यू पॉइंट है, इसे जीरो पॉइंट कहा जाता है क्योंकि यह पॉइंट एक आखिरी पॉइंट है। इसके आगे एक गहरी खाई है। यह पॉइंट एक पॉपुलर टूरिस्ट पॉइंट और व्यू पॉइंट है। जीरो पॉइंट से घाटी में छाए बादल देखना बहुत सुकून भरा लगता है और यहाँ बैठ कर समय बिताना यहाँ आने वाले लगभग हर टूरिस्ट को पसंद आता है। खासकर सुबह और शाम के समय यहाँ का नज़ारा बिल्कुल अद्भुत होता है। नेक्स्ट और लास्ट है आपका फ्रूट गार्डन्स। मुक्तेश्वर के फ्रूट गार्डन्स भी यहाँ का एक पॉपुलर अट्रैक्शन सेंटर है। खासकर सेब से लदे हुए पेड़ यहाँ जगह जगह आपको दिखाई दे देंगे। माल्टा भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होता है और यही कारण है कि जगह जगह मुक्तेश्वर में माल्टा के जूस कॉर्नर आपको मिल जाएंगे। अगर आप उस सीजन में आते हैं तो इन फ्रेश फलों का स्वाद भी ले सकते हैं। और ख़ास तौर से मुक्तेश्वर में समय समय पर स्नोफॉल होती ही रहती है। ख़ास तौर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के टाइम पर आपको स्नोफॉल यहाँ पर देखने को मिल ही जाएगी और ये नैनीताल से बहुत ज़्यादा दूर है भी नहीं, लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर ही है ये नैनीताल से, तो आप यहाँ पर भी जा सकते हैं। तो मैंने कोशिश किया कि मैं आपको डिटेल में बता सकूँ कि कहाँ कहाँ आप मुक्तेश्वर में घूम सकते हैं, तो आपको भी आसानी होगी कि अगर आप मुक्तेश्वर जाना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को देखकर आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। तो हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो लेकर आते रहते हैं ट्रैवलिंग से रिलेटेड। तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके कमेंट आप कर दीजिए ताकि हम जो मेहनत करते हैं वो आपको पसंद आती रहे और ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहे। तो हम आपसे मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, ट्रैवल सेफ, राइड सेफ एंड बाय बाय।